आज इख्तियार करना है कि हमने अल्लाह की राह में बेहतरीन खर्च करना है। इसको हम एक गलती क्या करते हैं, फितरे की। तो फितरे की जो बात है उसमें मैं आपको एक बात बता दूंगा। फितरा हदीस पाक में चार किस्म का बयान हुआ है, गंदुम का, जौ का, किशमिश का और खजूर का, ठीक है। लेकिन हम बचपन से सुन रहे हैं, जब भी फितरे की बारी आती है, हम पहले 50 रुपए था वो दे दिया, 100 दे दिया, 200 दे दिया, 300 दे दिया। हमें ये पूरी हदीस या तो हमने पढ़ी नहीं थी या हमारे जहन में नहीं थी, मगर हदीस पाक में चार किस्म का फितरा बयान हुआ है। गरीब आदमी गंदुम का फितरा दे दे कोई बात नहीं, मगर जो रोजाना बेहतरीन इफ्तारी कर रहा है, बेहतरीन खाने खा रहा है, सच बताओ उसको कौन सा फितरा देना चाहिए। मेरी इफ्तारी रोज अजवा खजूर से है और ईद वाले दिन मैं गंदुम का फितरा दे आता हूँ। हमेशा याद रखे, अच्छा खर्च करे ना। इस बार फितरा जिसको अल्लाह ने जैसा नवाजा है, गरीब आदमी के लिए बात नहीं कर रहा, जिसको नवाजा है रब ने, कि हम कभी ऐसा करते हैं कि ईद की शॉपिंग के लिए जाएं दुकानदार से कहें कि यार जो कपड़ा सबसे सस्ता है वो निकाल दो, सबसे सस्ते जूते निकाल दो, मैंने ईद पढ़नी है। बेहतरीन चाहिए, अपने लिए बेहतरीन लेना है, अल्लाह की राह में लोएस्ट वाला फितरा देना है। खुद गौर करें, खर्च कीजिएगा, दिल से करें, अल्लाह और नवाजेगा। और ये तो वक्त है लोगों को बांटने का, ये वक्त है मुसलमान भाइयों का हाथ पकड़ने का, गरीबों की मदद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने वीडियो देखी, मौलाना साहब का बयान सुना फितरे के हवाले से। इस साल सबसे कम जो फितरा है वो 300 रुपये है और जो सबसे ज़्यादा है वो 4000 रुपये है। आप अपने फैमिली में सबसे पहले जो गरीब है उसको दें, और उसके बाद जो गली मोहल्ले में पड़ोसी है उसको दें, और उसके बाद जिसको आपका दिल मानता है मदरसे में या किसी गरीब आदमी को, उसको ज़रूर दें। लेकिन फितरा हो, फिदिया हो, ज़रूर दें, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी चीज़ है रमज़ान के लिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।